आज का ड्रेस माइंड ब्लोइंग है सर, आपने बोला पैसा वर्ष क्या बात। एक बार विजुअल दे दो ना, विजुअल 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 भाई कह दो, चारों एक बार एक फोटो हो जाए, एक फोटो पहले फोटो हो जाएगा, शिव डेवी शिजान एंड फोटो को दे। अरे अपने साथ में शिजान भाई तू भाई इधर देखिए, एक तीनों का फोटो हो जाए, आप दोनों भी आ जाएं। अगली पार्टी की आरती आरती प्रशांत सर बैठ 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 बैठ, छोटा परिवार सुखी परिवार, बैठ बैठ बैठ। गणपति माइंड बिल्कुल, अरे हमारे लिए भी है, हमारे लिए हमने क्या बोली सर, आइए मैम 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 जो भी मेरे को भी पिलाओ वन मोर सेफ्टी सर, गणपति बाप्पा सब पिक्चर देख के यार बताएं कैसे लगी। शिव क्या कहना चाहेंगे, आज डेजी को सपोर्ट करने आए हैं आप, और आप दोनों का टॉम एंड जेरी का रिश्ता तो हमें दिखता ही है, मुझे लगता है आज हम आए हुए की बात है। तो मुझे लगता है मैं अगर देख लूँ पहले उसके बाद रिव्यू दूँ तो ज्यादा मजा आएगा, नेचुरल निकलेगा। ट्रेलर कैसा लगा? ट्रेलर कैसा लगा? मतलब तारीफ भी करूँगा ना इसने बोला है तारीफ। अच्छा ट्रेलर देखा आपने? जी। कैसा लगा? अभी तक मैंने भेजा भी नहीं है, मेरे खुद के पास ही है, किधर है नितिन? 100 पिक्चर देख ले, कोई बात नहीं। वेस्ट द ट्रेलर, देखो क्या होता है जब अच्छी फिल्म होती है ना तो डायरेक्टर फिल्म दिखाई जाती है। हां ये ट्रेलर देख के नहीं होता, आप लोग को दिखाया गया, खाली मीडिया को दिखाया गया, अभी तक हमने रिलीज नहीं किया कुछ। सोचो हमें दिखाया, तुम लोग लकी हो, हमें कुछ भी नहीं, हमारे दोस्तों की सब देखो दिखाया नहीं ब्रो, डायरेक्टर देख के आ जाइए। देव गणपति आ रही है, किस तरह से आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, नो डेजी के घर पे तो गरबा होते हैं, तो आप ज्वाइन करने वाले हैं कि नहीं? उसके घर पे भी गणपति आता है, मेरे घर पे 10 दिन का गणपति होता है, मेरे पापा बोलते हैं कि चुपचाप इधर रहने का, फालतू मजाक किया तो सब कट कर दूंगा जो मिल रहा है, तो मैं अपने घर पे रहता हूँ, और 2 दिन तो मुझे कंपलसरी रहना ही पड़ता है, पहले दिन और लास्ट डे, और बाद में थोड़ा पैसा से छापना चालू तो इवेंट इवेंट ऑनेस्टी भी जरूरी है। अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है सिवा आपको जो बहुत जल्द हमें देखने को मिले? ऑफ कोर्स डेजी मैम के साथ में मुझे लगता है अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें कैमियो मुझे भी देता ना, किडनी बेचने वाला था हाँ, तो अभी फिलहाल तो है कुछ आएगा 8-10 दिन का, मैं होपफुली बता पाऊंगा आपको, जैसे गणपति बाप्पा आएंगे ना कुछ ना कुछ देखे जाएंगे। कोई तो मूवमेंट करो, क्या क्या चाहिए एग्जैक्टली, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? और कंटिन्यू करते हो, बहुत सारे का शूट करके आया है, क्या मूवमेंट कर रहे हो? अरे उसको डांस करो ज्यादा ज्यादा अलग के हो भाई, इतना बहुत चाहिए।
बिजी रहना चाहिए। आप दोनों का खाली, आप दोनों का कर लियो ना। अरे नहीं होता है। अरे एक्चुअली डेजी वन आई ऑल्सो नीड टू गेट हेलो मेरे को तो ये सब नितिन भाई के साथ 1 2 3 बेसिक ओके। आप बिग बॉस 70 आ रहा है, आप दोनों ज्वाइन करने वाले हैं कि नहीं? ये बिग बॉस दो दो करके आ रहा है। दो क्या मैं कैमरा आ रहा हूं आगे के लिए। और ऐसा भी कहा था तू घर मत ले, तेरा बिग बॉस साउथ दो तो हो गए, तू कन्नड़ बनड़ करते जा। फिलहाल तो मेरा बिग बॉस तुम्हें भी एज अ मेंटर नहीं करना। हाँ मुझे वैसे 3 साल से कॉल आ रहा है बिग बॉस का, कह रहे कि मत आओ, अगर सोच रहे हो तो भी मत आओ। क्यों? बस ऐसे डीसी के साथ में है। दिस इज न्यू नेम, आई लाइक दिस नेम। चलिए हो गया ना। अरे नहीं कोई ना, बस आप दोनों अभी कोई आना नहीं। ये लुक पे क्या कहना चाहोगे आप? किसके? देसी जी के, गणपति पापा के लुक। ग्रीन लुक, ग्रीन लुक, ग्रीन लुक, ग्रीन ग्रीन हाथ पकड़ के जा रहे पापा जी। सबसे पहले अंदूरी के बहुत सारे तारीफ मिले, आपने मूवी देखा, क्या आपको क्या बेस्ट पार्ट अच्छा लगा? बेस्ट पार्ट जो सबसे बहुत 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 अच्छी है। मैं आया था जब तो बिना कोई एक्सपेक्टेशन के आया था, बट अगर मैं मूवी देख के निकला हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि गणपति जी का सामने एक सीजन भी है एंड फेस्टिवल भी है, एंड बहुत हम सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, खासकर मुंबई में बहुत ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है। उसके पीछे एक उसके साथ जो एक एंगल खेला गया है बहुत मज़ेदार है। एंड एलिफेंट इन द रूम प्लीज़ अभी जब भी यूट्यूब पे रिलीज होगी आप सब देखिएगा, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ा आएगा। जिस तरह के आपके भी बहुत बेहतरीन मूवी आ रहा आखिरी सच है जी, किस तरह के करेक्टर है, किस तरह किरदार है जो जानता है, जो ऑडियंस आपको जानना चाहते हैं, क्या बताना चाहते थे? आखिरी सच एक थ्रिलर और एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ फन एंड एंटरटेनिंग, दोनों बहुत फ़र्क है। बट सबसे पहले मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि उसके बाद में आज मिल रहे हैं, आखिरी सच नंबर वन चल रहा है, इतने लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। एंड वैसे ही आप जिसको भी देखें इनका इतनी सारे प्यार मिल रहा है, आपको ऑडियंस के प्यार मिल रहे हैं और सोशल मीडिया से प्यार मिल रहा है। किसी लड़की ने कभी आपको प्रपोज किया शादी करने के लिए? कुछ ऐसा कुछ सही है भाई, इस तरह कभी घटना अभी तक ऐसी घटना नहीं हुई है, और ऐसी घटनाओं से ऐसी कोई घटना ना हो जाए तो उन घटनाओं से दूर रहते हैं। फिर भी किसी ने आपको प्रपोज किया हो भैया हमें कुछ, तो क्या रिप्लाई दिया आपने? ऐसी बातें यहाँ थोड़ी बताऊंगा, आराम से बाद में एक्सप्लेन करूंगा ऐसी बातें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई आखिरी सच के लिए, जिस तरह आपको प्यार मिला आखिरी सच के लिए, तो ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहिए आखिरी सच के लिए? ऑडियंस देखिए, ऑडियंस ही किंग है, ऑडियंस ही एक एक्टर के लिए वही उनका जो फीडबैक है, चाहे आपको हम सब बहुत मेहनत करते हैं, हर एक एक्टर हर एक क्रिएटिव फील्ड में सब मेहनत करते हैं, बट एंड ऑफ द डे जिसको ऑडियंस प्यार देती है उसी को एक अच्छा फीलिंग आती है। आई गेस थैंक यू कहना। ये पिटारा बॉक्स में क्या अभी आने वाला आपका? पिटारा बॉक्स जो है क्या क्या आने वाला आपका पिटारा बॉक्स में? पिटारा बॉक्स में अभी तो आखिरी सच चल रहा है, आज 5वां एपिसोड आया, लास्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक 6ठा एपिसोड आएगा, वो देखिए वही है पिटारा बॉक्स में। या वाह चल सर, बेस्ट ऑफ लक सर, आई होप। थैंक यू थैंक यू। मैं अभी देखने जा रहा हूँ, मैंने देखी नहीं है पर मैंने तारीफ बहुत सुनी है, जो पहला शो देख के आए सब लोग, बहुत ही लोगों ने इन्जॉय किया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और डेजी है, नितिन है, दोनों मेरे दोस्त हैं और मैं इनको बहुत विश करता हूँ, लोग देखें और पसंद करें। और सलोनी भी है इस पिक्चर में, तुमने सनफ्लावर में भी काम किया था मूवी, और मैं लुकिंग फॉरवर्ड देखना चाहता हूँ जल्दी से। और ऑफ कोर्स नितिन से बहुत पुराना संबंध है, और डेजी को ऑफ कोर्स हम लोगों ने काम करने वाले थे पर काम कर नहीं पाए, है ना, होने वाला था काम, लेकिन कोई नहीं, जल्दी हम इकट्ठे काम करेंगे।
हमारी प्रोड्यूसर रही है, कुछ ना कुछ करा रही है। और ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति आ रही है, किस तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं? गणपति आ रहे हैं, हाँ जी। तो क्या करें आप, किस तरह सेलिब्रेट? मेरे को बड़े सारे मेरे यहाँ दोस्त हैं जिन्होंने इन्वाइट किया, तो मैं अलग अलग जगह जाऊँगा, अलग अलग किस्म के मोदक खाऊंगा और प्रे करूंगा सबकी हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए। सर आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो हमें बहुत जल्द देखने को मिले? एक अभी ब्लैकआउट फिल्म आएगी, उसके बाद सनफ्लावर 2 आएगा। थैंक यू सर, जवान को बहुत प्यार मिल रहा है सर, को जवान के में बहुत अच्छे करेक्टर है आपका, सर करेक्टर को बहुत सारे प्यार मिल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? सेंटर में सेंटर नाम पे मैं ईरानी बहुत जगह है, किंग खान का जलवा है, शाहरुख सर का, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और मैं भी ऑनर्ड फील करता हूँ इस फिल्म का पार्ट होने में। तो शुक्रिया, फिल्म को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, मुझे भी तारीफ की लिए तो मुझे अच्छा लगता है। शाहरुख खान स्पेशल थैंक्स बोला, स्पेशल थैंक्स बोला स्टेज पे सबके सामने कि सुनील भाई ने ये किया, ये किया, तो कैसे लगा आपको? किस फिल्म से बचपन साथ का दीवाने थे? अच्छा can you bring out your fan? Give out. I know, right? Hey guys, thank you very much to everyone. Any more? Ganpati Bappa! जन्नू जी आप खाइए पूरा, जी आप खुश रहो हमेशा। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू, बहुत थैंक यू, चलो जब आरती ने अप्रोच किया मुझे ये फिल्म के लिए, इनफैक्ट मैं आई रिमेम्बर हम लोग ऐसे लंच पे मिले थे, मैं आरती और नितिन, एंड दे वर जस्ट डिस्कसिंग द सब्जेक्ट और आई वाज गिविंग माय इनपुट्स कि शायद ये ऐसे वैसे, बिकॉज आई थिंक दैट वाज द टाइम जहाँ पे हम थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो गए थे और थोड़ा बहुत नो डिविनिटी समझने की कोशिश कर रहे थे, एंड देन somehow Aarti and Nitin thought that I am like quite the fit for the character that I am playing, Meher. So
एंड आई वाज लाइक कि मैं तो फुल प्रोसेस में थी, मुझे पता भी नहीं था कि शायद मुझे ही कंसीडर कर रहे थे ये रोल के. मैम जैसे कि ये स्टोरी सर ने बताया कि गणपति आ रहा है तो उससे ही रिलेटेड है, तो कैन यू प्ले दिस रोल, एनी डिफिकल्टी यू फेस? और क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम है और ऑडियंस को कनेक्ट करना जल्द से जल्द एक आर्टिस्ट के लिए बहुत. वो आप स्क्रिप्ट जितनी स्ट्रांग होती है ना, वो फिर चाहे 15 मिनट हो, 2 घंटे हो या लाइक 25 मिनट्स हो, राइट? सो द थिंग इज दैट स्टोरी को पोर्ट्रे कैसे करना है वो मेकर्स का काम है. मैं कन्विंसिंग हूँ कि नहीं, एज अ महर वो मेरा काम. सो आई हैव गिवन माय 100% इन दिस फिल्म, स्पेशली द रोल. और कहीं ना कहीं महर डेजी से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, सोच में, बर्ताव में, नेचर में, हर चीज़ में. मैम जैसे कि हम जानते हैं गणपति भी आने वाला है और ये गणपति को ही डेडिकेट किया गया है, तो किस तरह आप सेलिब्रेट करने वाली हैं गणपति? हर साल जैसे मैं करती हूँ, मेरे घर तो 1.5 दिन के लिए आते हैं पापा, तो आई थिंक आप में से कुछ लोग आते हैं मेरे घर पे सेलिब्रेट करने के लिए, सो आप अगले साल भी आएंगे देखेंगे. मैम जैसे कि अभी एक खबर चल रही है बिग बॉस 70 आ रहा है, तो अगर आपको रियलिटी शो का मौका मिले तो आप जाना चाहेंगी? नहीं. क्यों? उसके रीजन जान सकते हैं? क्योंकि आप अभी खिलाड़ी करके आए, ऑलरेडी रियलिटी का बहुत ओवरडोज हो गया है, तो आई नीड टाइम टू वीन ऑफ. तो अभी तो बिल्कुल नहीं. और बिग बॉस आई डोंट थिंक दैट इज माय काइंड ऑफ शो, मैं नहीं कर पाऊंगी. दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी. अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है मैम जो हमें आपको बहुत जल्द किसी प्लेटफॉर्म पे देखने? द गोस्ट ऑफ गांधी, जिसकी शूटिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, उसका ऑलरेडी टीजर लॉन्च हमने किया था कुछ दिनों पहले, सो दैट इज़ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट विच इज़ गोइंग टू कम. मैम गणपति में आपके घर में जब हम जाते हैं आरती होती है, आरती के बाद गरबा होता है, तो ये साल भी होने वाला है? पता नहीं, वो बहुत इम्प्रॉम्प्ट होता है. जैसे पिछले साल मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली आई थी अहमदाबाद से, एंड अहमदाबाद के जितने भी लोग हैं, आई मीन इट्स अ ट्रेडिशन, कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो, गरबा इज अ मस्ट. सो आई डोंट नो, इट माइट हैपन, इट माइट. मैम रिसेंटली अभी जवान रिलीज हुआ है और वापस ऑडियंस थिएटर में जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस OTT प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा रिफर कर रही है. मुझे अच्छा बोलना है बुरा बोलना दोनों का? आप क्या फील? ऑफकोर्स आई फील गुड ना, मतलब थिएटर्स बहुत टाइम से ड्राई चल रहे थे, ऑडियंस ज़्यादा जा नहीं रही थी, एंड आई थिंक गदर, जवान ये दो फिल्म है जिसने पूरा जो थिएटर वर्ल्ड है, मतलब मूवीज़ को जब हम जाकर देखते हैं, आई थिंक वो पूरा रिवाइव किया है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. आपने भी बोला कि मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइन हुई हूँ, तो ये फिल्म करने में आपको ज़्यादा, यू नो, यू मस्ट हैव एंजॉयड द फिल्म डूइंग दिस डॉक्यूमेंट्री? ऑफ कोर्स, यस यस, टोटली, बहुत ही अच्छा लगा. स्पिरिचुअलिटी बहुत वास्ट है, मतलब इतनी बड़ी है कि आप जितना उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, जितना जानने की कोशिश करोगे, वो उतना ही डीप है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू, मतलब कोई भी इंसान जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहा होगा, वो खुद भी बोलेंगे कि हम खुद सीख रहे हैं. तो मैं आई एम जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ दैट स्टेज. थैंक यू. मैम एक लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह हम साउथ फिल्मों को देखते हैं कि लोग बॉलीवुड से साउथ फिल्मों में डेब्यू कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या आपका भी कोई ऐसा प्लान है अपकमिंग में क्या साउथ इंडस्ट्री में देखते हैं? अगर आएगा, अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली विल बी अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर वन पिक्चर मोर सेंटर लुक कैमरा ऑनेस्टली जब नाम बना ना द एलिफेंट इन द रूम, आई रियली लाइक द नेम एक्चुअली. और इनफैक्ट मुझे मूवीज़ का बहुत ज़्यादा ही शौक है, तो मैं ज़्यादा पार्टी वार्टी में नहीं जाता, बट इन्होंने आज बोला कि मूवी देखने आएगा, बैठा ऑफ कोर्स आऊँगा. तो मुझे खुद एक्साइटमेंट है देखने के लिए, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि मूवी किस बारे में है, क्या है, कुछ ज़्यादा बताया कुछ गया है नहीं, तो मैं देखूंगा उसके बाद में ज़्यादा बेटर बता पाऊँगा, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि मूवी डेफिनेटली अच्छी होगी.
पाकिस्तान बहुत टाइम के बाद हमें आप लोग खिलाड़ी में देखने को मिले, इसके बाद का क्या प्रोजेक्ट है, इस प्लेटफॉर्म पे आप हमें देखने को मिले एक नए अंदाज में? हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं अली बाबा को, जो एंड सीरियसली मेरा फेवरेट शो था एंड मैं बहुत ज़्यादा ही मिस करती हूँ। अब मैं वो नहीं देखती क्योंकि मुझे सच में नहीं पसंद वो जिस कैरेक्टर में एक नए एक्टर को लिया गया। आपका क्या कुछ कहना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको बुलाएंगे? मैं बहुत जल्दी आऊँगा, किसी अच्छी चीज़ पर ही आऊँगा। इनफैक्ट जितनी बेसब्री मेरी ऑडियंस को इस टाइम में मुझे देखने के लिए ना, उतनी ज़्यादा मुझे भी है कि मैं कुछ पैसा करूँ जो कुछ जो खर्चता हूँ उससे बेहतर हो या कुछ उसके जैसा हो। तो आई एम वेटिंग कि कुछ अच्छा मुझे दिख जाए, मेरी आंखों के सामने आ जाए जो मैं पकड़ लूँ। तो बस अभी थोड़ा सा इंतजार चालू है, बाकी अपने आप की तैयारी चालू है, चलती रहेगी। क्वेश्चन सर, मैंने 2016 में जो रेबेलियस फ्लावर है मैंने वो देखा हुआ है जो कि हमारे ओशन के ऊपर आधारित है। आई लव दैट, आई लव इट। और फिर दूसरा मुझे मौका मिला है दिस वन वेरी अमेजिंग, वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट। आई मीन द स्टोरी लाइन, द स्क्रीन प्ले, इट वॉज अमेजिंग। मतलब मज़ा आया, मैं सच के लिए ऑडियंस के नाते, आर्टिस्ट के नाते ऐसे एक पल नहीं था जहाँ पे मैं हंसी थी। आई मीन इट वाज ब्यूटीफुल, वेल स्क्रिप्टेड। जी जी, अभी एक्चुअली चल रहा है जियो सिनेमा में लखन लीला भार्गव रवि दुबे, उसमें मेरा पार्टनर एज मेन का एक लॉयर का किरदार है वो चल रहा है। अभी सिंगिंग टीवी बालाजी का बरसात ही चल रहा है, उसमें मैं पार्टनर कर रही हूँ। तो जी बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। बहुत ही बहुत ही मुश्किल सवाल है, बट एक मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट होने के नाते आप मेरा ऐसा मानना है कि दो जगह आपको जरूर काम करना चाहिए, एक विद बालाजी एंड बिग बॉस। अगर मौका मिलेगा तो आई लव टू डू and
there are two more features, feature films for OTT. Hopefully, I think next year. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me. Okay ma'am, so बहुत unique name है और short film में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या expectation है इस film से, इतना short इतने कम time में you know character को बहुत fast में दिखाया जाता है, क्या कुछ कहना? मुझे शॉर्ट फिल्म्स बहुत पसंद है. मैंने इनफैक्ट परसों ही शॉर्ट फिल्म देखी थी NCPA में, तीन शॉर्ट फिल्म्स, एंड आई वाज सरप्राइज दैट हाउ शॉर्ट फिल्म्स आर रीचिंग टू अनदर लेवल नाउअडेज. शॉर्ट फिल्म मुझे अच्छी इसलिए भी लगती है कि जहाँ कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं होता, एंड यू नो क्रिएटिवली यू कैन डू सो मच, एंड द आर्टिस्टिक स्पेस दैट दे टच थ्रू शॉर्ट फिल्म्स इज कमेंडेबल. हाय मैम, आपका मैं एक्चुअली इसी थॉट से आई थी कि मैं यहाँ से ये विजिट करके देख के शॉर्ट फिल्म बर्थडे के लिए चली जाऊँगी. सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई हैव लॉट ऑफ प्लान्स फॉर टुमारो. जैसे कि हमने आपको टीवी इंडस्ट्री में देखा है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, तो कौन ऐसे ऐसे आपके गुड लिस्ट में होंगे बर्थडे लिस्ट में जो आपके बर्थडे में देखने? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, नॉन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री फ्रेंड्स. स्पेशली नॉन इंडस्ट्री फ्रेंड आई हैव जथा, इंडस्ट्री फ्रेंड्स आई हैव कीर्ति, रिधिमा तिवारी, कीर्ति नागपुरे, आई हैव नवीना भोले, आई हैव एलिस कौशिक. सो या दीज आर माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स. गणपति आ रही है मैम, किस तरह आप सेलिब्रेट करने वाली? गणपति एक्चुअली मैं हम नहीं रखते हैं गणपति घर पे, बिकॉज वी डोंट गेट दैट अमाउंट ऑफ टाइम टू डेडिकेट टू द रिचुअल. But I have my cousins and friends, they celebrate Ganesh Chaturthi and I make sure that I visit them. Lastly, kya kuch kehna chahengi, aapke upcoming projects kya hain, kaun se OTT platform pe hame aapko? OTT, yes, I have recently done one OTT project for Blue Drops. It is for Mahindra and Mahindra Epicon channel, which will be releasing, the channel will be releasing in September tentatively, and the short and the web series will be releasing by October and November. ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी. और अच्छा लगता है व्हेन पीपल मेक शॉर्ट फिल्म्स, बिकॉज इतनी ज़्यादा तादाद में बनती नहीं है, एंड पीपल कैन एक्सपेरिमेंट. सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू एनकरेज पीपल टू मेक शॉर्ट फिल्म्स. एब्सोल्युटली, मैं भी यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले मुबारकबाद उनको कि फिल्म बनाइए, शॉर्ट फिल्म हो चाहे बड़ी फिल्म हो, फिल्म में बहुत मेहनत लगती है और आई थिंक वी नीड टू अप्रिशिएट दैट, बिकॉज चाहे वो अवार्ड फंक के लिए जाए या वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी जाए. एंड एक और अच्छी बात है कि इस समय हमारी फिल्में अच्छा काम कर रही हैं, तभी धरर इवन जवान वर्ड एवर फिल्म डूइंग वेल, सो वी रियली फील प्राउड एंड आई थिंक इट्स अ गुड मोमेंट टू सेलिब्रेट. जैसे गणपति आ रहा है और ये शॉर्ट फिल्म भी गणपति के ऊपर ही बेस्ड है, तो आप अपना गणपति किस तरीके से सेलिब्रेट? मैं एक्चुअली सबको आपको बताइए जो गणपति घर पे रखते हैं कि गणपति घर पे रखना मतलब एक बहुत यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है. सो मैं लोगों के घर पे चले जाता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ या फिर गणपति जी, मैं घर पे गणपति जी अलग से स्थापित नहीं करता हूँ, बट अदरवाइज तो गणपति चारों तरफ हैं. Yes, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, बट अभी आई कैन डिस्कस ऑल दैट, बट यस वी डिस्कस, अभी हम जस्ट फिनिश वन प्रोजेक्ट, अभी नया करते हैं कुछ. आई कैन से दैट बिकॉज़ अभी तो आई रहा हूँ, आई कैन इवन हैव, बट सून यू विल ऑल्सो. मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे, आपका कोई अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा. शी इज डूइंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, आप लोगों को बताती नहीं, वो हां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है. बता दीजिए, थोड़ा कुछ बता दीजिए, कब तक आने वाला है ये मत बताइए, कौन सा प्रोजेक्ट है? नहीं नहीं, देयर इज सस्पेंस, व्हेनेवर इट इज आई विल, यू यू गाइस विल गेट टू नो. थैंक यू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. आज फॉर दिस प्रीविंग है, येस एब्सोल्युटली, आई थिंक आई मीन आई लव वॉचिंग शॉर्ट फिल्म्स, बिकॉज इसमें इतनी रियली सब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं ना. आई थिंक देर इज नो, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है कि आप क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं, देख सकते हैं शॉर्ट फिल्म्स जॉनर में. एंड एज अ नेम गुड, द नेम इज प्रीटी इंट्रीगिंग, द एलिफेंट इन द रूम.
और मैंने वो वाला डिस्प्ले देखा जहाँ पे साथ में गणपति बापा है, तो आई एम होपिंग दैट द फिल्म हैज समथिंग अराउंड गणपति बापा. देखिए गणपति बापा अभी आ भी रहे हैं वेरी सून, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दैट हाउ एग्जैक्टली इज द गणपति, मतलब गणपति बापा का क्या प्रेजेंस या कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है इस फिल्म में. एंड आई विश द टीम ऑल द बेस्ट. नॉर्मली जो कमर्शियल एक्टर्स होते हैं उन लोगों के लिए शॉर्ट फिल्म जॉनर में जाना इट इज़ वेरी रेयर, जनरली दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क. एंड आई रियली अप्रिशिएट डेजी शाह हु हैज टेकन दैट लीव एंड हु हैज टेकन दैट और हु हैज एक्सपेरिमेंटेड दैट, एंड आई एम श्योर शी वुड हैव लव्ड इट. एंड आई विश टू सी मोर ऑफ यू नो ऑल द यू नो कमर्शियल एक्टर्स कमिंग आउट एंड डूइंग मोर शॉर्ट फिल्म. मैम जैसे कि हमने आपके लास्ट शो को देखा था के टाइम में आपका बहुत खूबसूरत किरदार था, नए चैप्टर का आगाज हुआ है, तो कैसा लगता है कि नई कहानी एक नई सभी विराट एंड ऑल किस तरह आप उसे देखते हैं, क्या उन लोगों को टक्कर दे सकते हैं जो पहले कैरेक्टर थे. सी आई थिंक द कंपैरिजन इज वेरी अनफेयर बिकॉज विराट और सई इन लोगों ने तो बेसिकली स्टार्ट किया था, यू नो उन लोगों ने नींव बनाई थी. एंड अब आगे ईशान और सवि आई एम श्योर दे आर टेकिंग इट फॉरवर्ड जो उनके पहले वाले जनरेशन ने स्टार्ट किया. तो कंपैरिजन तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अनफेयर, आई डोंट वांट टू कंपेयर बिकॉज बोथ द न्यू एक्टर्स आर ग्रेट इन देयर ओन स्पेस. पर हाँ मेरी लॉयल्टीज लाई करती है मेरी टीम के साथ क्योंकि हमने सबने साथ में यू नो शो स्टार्ट किया था. So, but I definitely wish the new cast and the new team good luck. Thank you so much, ma'am. Thank you. I think bahut it's a very big day for us because finally we've been able to get our first production out, and the title is very unique because it is related to an elephant dog. God. The title is very unique because it's related to an elephant dog, and it's the right time. हमारी जो movie है गणपति के ऊपर है. And it's the right time to release it because Ganpati is 5 days away, and it's we will watch it, and it's a beautiful movie, and we are very very proud, and I'm very very happy that he's acted in it, and all my friends have acted in it, and I'm really looking forward that people love it. मैं बस ये कहना चाहता हूँ, I am even though she's not from the production world, the film world, but she's from the corporate world, but I think all credit goes to my wife Aarti for putting this together. I don't think this could have all happened without her, so that's actually a real thing. She was very open and very willing to learn about everything, and ye project I think humne ek saal pehle socha tha. Ganpati ke time pe humne socha tha because hum dono ko Ganpati se bahut zyada pyar hai. Jab गणपति उत्सव आता है हम मतलब अब कहते हो कि हमें गूज़बम्प्स आते हैं कि अब ना ही कहते ना सबसे हम इतने सारे एक्टर्स आते हैं स्टार्स आते हैं मतलब ही इज़ हियर हमारे लिए एक ही सुपर स्टार है वो गणपति. व्हेन ही इज़ हियर दैट्स व्हेन वी ऑल गेट वेरी हैप्पी. सो इस मूवी में हमारे जो मेन सुपर स्टार हैं वो गन्नू जी हैं, एंड हम जस्ट उनके आजू बाजू वी आर जस्ट वेरी ब्लेस्ड इन पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. हमारा जो कास्ट एंड क्रू वो अमेजिंग है. किशन हुड्डा हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब. नील तारणी एंड Alec is here and actors आप देख ही रहे. ये हमारी डी जी शाह बहुत ही दोस्त है. जब उनको हमने स्क्रिप्ट सुनाया तो उन्होंने एक चीज़ कहा स्क्रिप्ट सुनने के बाद कि अगर मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा. तो उसी वक्त हाँ हो गया. एंड या काफ़ी टाइम लग गया इसको लेके आने में, बट आई थिंक ऑल गुड एनर्जीज एंड बस इट्स हियर नाउ. अब आपके हवाले मैम, जैसे कि हमने देखा है डेजी शाह अभी रिसेंटली खतरों के खिलाड़ी से आई है, तो व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ टेकिंग डेजी मैम इन दिस रोल? आई थिंक डेजी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड आई थिंक शी इज़ अ फैबुलस ह्यूमन बीइंग एंड शी इज़ ऑल्सो समबडी दैट विल रिलेट ऑन अ यू नो सेंसिबिलिटी लेवल. आई थिंक द अटैचमेंट टू द गॉड एंड द बिलीफ इन गॉड एंड बिलीफ इन गणपति वॉज क्वाइट सिमिलर. So when we were talking to her, there was no other choice. You know, as it is, you know, short films are difficult to put together. Just trying to get people to come on board because the story is unique. The concept has to appeal to people. Even for Krishan, it was something unique he was trying to attempt. So this is a dark comedy space. And I think I'm just grateful for Daisy to be able to do this with us. And I can't think of anybody else who would have done a better Meher. Okay.
सर आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आज आजकल बहुत सारे सेटल्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है एंड यू चूज टू रिलीज इन यूट्यूब, no, I don't think it's there's any reason as such. I mean, we were in touch with a few OTTs and all that stuff. जब आप फिल्म देखेंगे आपको थोड़ा पता चलेगा कि उनकी तरफ से थोड़ा बैकलैश आया था बिकॉज बिटवीन यू में अभी गॉड के ऊपर थोड़ा कुछ भी करना इस कंट्री में इट्स अ लिटिल दिस थिंग. सो हमने जो फिल्म बनाई है वी हैव केप्ट अ वेरी रिस्पेक्टफुल वर्जन ऑफ गन्नू जी. हमने वो क्रिएटिविटी की वजह से हमने कुछ लाइन क्रॉस नहीं किए एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू सॉर्ट ऑफ यू नो एक तो आप अगर आप बिलीव करते हैं तो हमारे जो भी गॉड्स हैं जितने भी हैं आप जब मानते किशन जी हो गए हनुमान जी इनमें एक चीज़ कॉमन थी वो था सेंस ऑफ ह्यूमर. वो बड़े चंचल थे तो हमने अपने गन्नू जी को भी बड़ा चंचल रखा है और उनके डायलॉग आज की 2023 के डायलॉग्स हैं, वो पुराने वाले डायलॉग नहीं है. तो आई गेस उसकी वजह से थोड़ा हमको फीडबैक मिला बट फ्रेंकली स्पीकिंग यार हम बिलीव करते हैं कि हमारी जो फिल्म है या कोई फिल्म वो अपनी किस्मत लाती है. ये हमने पहले रिलीज़ करने का सोचा था लेकिन आयरोनिकली अब गणपति के टाइम पे ही गन्नू जी की फिल्म ऑटोमेटिकली हो रही है तो हमने कहा यार गन्नू जी हैं वो लेके जा रहे हैं तो फिर हम कौन होते हो यार. जो कॉन्सेप्ट है हमारा एलिफेंट इन द रूम, तो जो मेटाफोर है एलिफेंट इन द रूम, हम कहते हैं कि जब सबको एक चीज पता है लेकिन कोई बोल नहीं पाता उसे कहते हैं लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. तो ये बहुत ही यूनिक सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट हमने रखा है कि सिंपल सी बात है कि हम गन्नू जी से बात बहुत करते हैं, जब वो जाने वाला है तो उनके कान में बहुत विस्पर करते हैं. हमारी स्टोरी ये है कि अगर गन्नू जी जवाब देंगे वापस आपके सवाल का, क्या आप सच में सुन पाओगे, तो इट्स हमने ज़्यादा प्रीच करने की कोशिश नहीं की. इट्स अ वेरी फन वे बट हाँ एक मैसेज है और जिनको समझ में आ गया उनको समझ में आ गया, जिनको नहीं समझ में आएगा उनको फिल्म दूसरी बार दिखाएंगे. थैंक यू. यहाँ तो उनको लगेगा कितनी लंबी पिक्चर है, फिर आप तो शुरू की सुबह से चलने भी आ गए. अच्छा ये थैंक यू वेरी मच. वेर एक्साइटेड एंड हम लोग आए हैं अपने फेलो एक्टर्स को सपोर्ट करने. इट्स द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एज वेल, सो वी आर वेरी एक्साइटेड. इट सेज एलिफेंट इन द रूम, फिल्म अभी तक देखी नहीं है, सो एलिफेंट इन द रूम इज यूजली द टॉपिक पीपल डोंट वॉन्ट टू डिस्कस. जानते सब है लेकिन रूम में प्रॉब्लम डिस्कस कोई नहीं करता है. सो आई एम जस्ट होपिंग द फिल्म इज एज एक्साइटिंग एज द टाइटल इज. सो या वी लुक फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड ऐसे ही सबको अच्छा मौका मिलता रहे टू शोकेस देयर टैलेंट्स. और मैम सब लोग जानना चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ कभी बिग बॉस के घर पे. तू कॉल करना एंडमोर को, मैं रेडी बैठा हूँ, कॉल कर बोल. मतलब आप तैयार हैं, मतलब आप तैयार हैं, आप दोनों सब तैयार हैं, आप तैयार हैं. हम इसलिए पूछ रहे क्योंकि आप दोनों एक साथ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कभी भी कॉल आ जाए एक मैसेज होना चाहिए ना कि जाने वाले के लिए. अभी कॉल आ जाएगा ना, मैं यहीं से सीधा चला जाऊंगा. हम रेडी हैं. ओके, कुछ अगर आप बताना चाहे आने वाले दिनों में कि आपने जवान मूवी देखी है, क्योंकि काफी सक्सेस हो दो बार देख लिया, तीसरी बार देख रहे जा रहा हूँ मैं कल. क्या पसंद है आप दोनों, आप दोनों ने क्या पसंद होगा जवान? कुछ अगर आप बताएं तो शाहरुख, विजय सेतुपति इज माय फेवरेट. ओके, अनिरुद्ध म्यूजिक
आई लव विक्रम एंड ऑल हिज मूवीज एंड आई जस्ट लव द जॉनरा दैट दिस साउथ का जैसे दिखाते हैं ना शॉर्ट टेकिंग एंड एवरीथिंग. तो पहली बार मैं देखने गया शाहरुख सर की वजह से एंड सबकी परफॉर्मेंसेज एंड एवरीथिंग. सेकेंड टाइम मैं देखने गया एज अ आर्टिस्ट शॉर्ट टेकिंग फाइट सीक्वेंसेज कैसे ये है कैसे हुआ. अभी तीसरी बार मैं और अंदर घुस के देखूंगा एंड आई एम अ क्रेजी विजय सेतुपति फैन. आई एम गोना बी वर्किंग विद यू विजय सर वेरी सून. सो या आई एम गोना वॉच इट द थर्ड टाइम. मैंने एक ही बार देखी है और मैंने फॉर द लव ऑफ शाहरुख खान देखी है. सो या मैंने जेलर तमिल में देखी है दोस्त. मैं ऐसा सिनेमा का बफे. थैंक यू गाइस बाय. काफी तारीफ हो रही काफी लोगों ने बोला है. आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे और गणपति बप्पा फेस्टिवल भी आने वाला है. जी फर्स्ट ऑफ ऑल गणपति बप्पा ओडिया इससे ज़्यादा ऑस्पिशियस टाइम नहीं हो सकता इस फिल्म की रिलीज़ के लिए. मेरे दोस्तों ने प्रोड्यूस करी है नितिन आरती. वो सिर्फ दोस्त ही नहीं बहुत अच्छे क्रिएटिव इंडिविजुअल भी हैं और ये बोलने के उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सच बोल रहा. ये जो सिटकॉम वाला सिचुएशन है ना और ये जो जॉनर है बहुत अच्छे से इन्होंने हैंडल किया है. एक बहुत इंट्रिकेट जॉनर होता है इसमें बहुत ध्यान से चलना पड़ता है. किशन ने बहुत अच्छे से डायरेक्ट करी है इसको लिखा बहुत अच्छा है. द जोक्स आर वेरी नाइस. ये जॉनर इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है. उसके कारण ना बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने एक वो पगडंडी पकड़ी और उसके ऊपर बहुत खूबसूरती से चले हैं. आई रियली विश देम ऑल द लक लव अबंडेंस सक्सेस फॉर द एलिफेंट इन द रूम. सर इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे प्रोजेक्ट के बारे में फिल्म के बारे में. मैंने वही बोला कि बहुत अच्छी लगी और ये जो जॉनर है जैसे मैंने आपको बताया ये इंडिया में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं हुआ है. पर आई रियली होप कि आफ्टर दिस ये अच्छे से एक्सप्लोर हो ये फिल्म और लोग देखें और इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको और बहुत ज़्यादा काम मिलेगा. सर हम जानना चाहेंगे इससे पहले आपका एक सॉन्ग आया था जिसमें आपने बिग बॉस में ही आपने उसका अनाउंसमेंट किया था. आपका जी वो एक वेब सीरीज थी उसका नाम था बजाओ. वो रिलीज़ हो चुकी है उसी का गाना था. आई रियली होप कि और लोग वो देखें. ऑलरेडी रिलीज हुई है लोग हमें तो कोई बताएगा नहीं कि कैसी है ना. हमें तो सब अच्छा ही बताएंगे. सो हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है. एवरीबडी इज सेइंग सम ग्रेट स्टफ अबाउट इट एंड आई रियली होप आप भी देखें बजाओ अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी बजाओ फिर उसके बाद अच्छी लगे तो ताली बजाओ. अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में मैं बता सकता हूँ तो मैं ज़रूर बताता पर इतना ज़रूर है कि मेहनत करता रहूँगा. आई विल ट्राई टू एंटरटेन एवरीवन. ऐसे किसी ना किसी पोस्टर को देख लेना तो प्लीज क्लिक कर देना टिकट खरीद लेना. दैट्स व्हाट आई डू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. काफी टाइम के बाद आप सोच रही हैं आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आप हमें देखने को मिले. जी जरूर मैं एक्चुअली आज कल थिएटर कर रही हूँ एक हिंदी प्ले कर रही हूँ. मैम टीवी शो की बात करें तो आपका भी एक टाइम था जब उसका क्रेज था सास कली बहू जी. तो अभी कोई ऐसा प्लान है एक बार फिर आप हमें टीवी प्लेटफॉर्म पे देखने को. वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर एज दे से एंड आई टुक अ लिटिल ब्रेक लिटिल मतलब थोड़ा ज़्यादा लिटिल हो गया क्योंकि माय चाइल्ड वाज वेरी यंग अब बड़ा हो गया ही नाउ 9 इयर्स ओल्ड एंड आई थिंक द टाइम इज परफेक्ट वंडरफुल टाइम टू बी इन दिस स्पेस. आई रियली मैम बिग बॉस करना पसंद करोगे. दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन. व्हाई नॉट व्हाई नॉट. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. बहुत एक्साइटेड हूँ. मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगा एलिफेंट इन द रूम और जब पता चला कि गणपति के बारे में है आई थिंक ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है. द राइट टाइम जब गणपति अब सब सेलिब्रेट करने वाले और सबका जो रिलेशनशिप गॉड के साथ होता है अलग अलग अनोखा अनोखा होता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसी कोई छोटी फील गुड फिल्म शॉर्ट फिल्म कभी कभी आप कुछ ऐसा देखते हो जो आपको दिल से अच्छा लगता है. एंड नितिन मरानी भी अच्छे दोस्त हैं उनको सपोर्ट करने आए हूँ. हमेशा कुछ नया अजूबा करते हैं. कभी भी बहुत अच्छे होते हैं एक्टर भी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये फिल्म देखने के लिए और पता करने के लिए कि इस फिल्म
आपने क्या कहानी बताई है, ये नाम बड़ा अनोखा है, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब फिल्म कैसी? सो बेसिकली आरती मेरे पास आई थी तो उनके पास एक स्टोरी थी, उन्होंने एक मेरी फिल्म देखी थी कॉल्ड मलोटा, सो उस टाइम रिलीज हुई थी, सो शी सॉ द फिल्म, शी लाइक्ड इट एंड देन शी अप्रोच मी, देन वी स्पोक एंड शी शेयर्ड द आइडिया कि ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो उसी के बाद में फिर वी सैट, वी स्टार्टेड राइटिंग, री राइटिंग एंड वही चलता रहा, उसके बाद फाइनली वी गॉट हियर एंड द प्लान वाज टू मेक अ कमर्शियल फिल्म बिकॉज गणपति के आसपास बहुत फेस्टिविटी होती है, काफ़ी कलर्स होते हैं, तो हम लोगों ने वही रखने की कोशिश की, सो इट्स अ कॉमेडी फिल्म अराउंड गणपति फेस्टिवल के आसपास, तो बहुत जानना चाहेंगे यू नो अभी जो दौर चल रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमें एक अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलती है, वहीं अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे मेनी स्टोरीज हमें शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिलती है, एज अ डायरेक्टर क्या चैलेंजिंग रहा आपके लिए इस फिल्म को यूट्यूब पे लाना, कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग बेसिकली बजट ही होता है बिकॉज छोटी फिल्मों के लिए बिकॉज उनका आरओआई बहुत स्ट्रॉन्ग है नहीं कुछ अभी, और अभी तो काफी अभी तो थोड़ा सा और भी कम हो गया, तो वही एक चैलेंजिंग पार्ट था, अदरवाइज मेकिंग शॉर्ट फिल्म में सो मच फन कि उसमें आपको कोई प्रेशर नहीं होता बिकॉज बहुत हाई बजट नहीं होते हैं, कोई थिएट्रिकल प्रेशर नहीं है कि आपको वहाँ से पैसा रिकवर करना है, सो मेन प्रेशर तो यही होता है कि पैसा अरेंज करना फॉर अ शॉर्ट फिल्म, बट आई गॉट अ रियली गुड प्रोड्यूसर सो इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर अस। So, as you said that ma'am aapke paas aayi writing jo bhi script likha aapne any uniqueness matlab kuch ye writing matlab jo hum dekhenge story kis tarike ka story hai jo hum matlab alag hai ya kis tarike ka message denge audience? ये मैसेज बिल्कुल अलग, तो अलग है भी और एक में नहीं भी है बिकॉज गणपति के आसपास तो अलग कैसे हो सकता है बिकॉज हम गणपति को सब जानते हैं, सारी स्टोरी हमारे पास है, तो उस सेंस में अलग नहीं है, बट जैसे हम लोगों ने ट्रीट किया है जो ह्यूमर है तो उस तरीके की फिल्में हम लोगों ने नॉर्मली देखी नहीं है इसके अराउंड कि गणपति बात कर रहे हैं और वो एक दोस्त की तरह बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ नॉर्मली हम लोगों ने अभी बहुत रिसेंट टाइम में नहीं देखी, तो ये वैसा वाला थोड़ा सा हम लोगों ने कोशिश किया है कि उस तरीके की कॉन्वर्सेशन है कि गणपति बिकॉज हम लोग मूसा होता है कि उनका दोस्त पर जाकर बात करते हैं, सो दिस आइडिया केम कि वाई नॉट गणपति स्टार्ट स्पीकिंग, हम लोग गणपति को बुलाते रहते हैं, अगर वो आ जाएंगे तो क्या होगा, सो दैट्स द स्टोरी, उसके बाद क्या होता है? सर स्टार कास्ट की बात करें जिसमें डेजी हैं और सर के नाम नहीं पता, पता हमने इन्हें टीवी शोज में देखा है, विराट पटेल, यस, सो ऐसा कुछ माइंड में नहीं था कि अगर हम टीवी स्टार को लें क्योंकि अब उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं है, अगर वो एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पे आते तो कुछ अलग ऑडियंस जुड़ते साथ में? सो विराट का तो बेसिक आइडिया था ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, वो चीज़ तो पहले था ही, प्लस ऊपर से आई थिंक जो लाइन है जो टीवी एक्टर की या शॉर्ट फिल्म की या फीचर फिल्म की या किसी भी चीज़ की, वो आई थिंक अभी बहुत ब्लर हो गई है अभी, जिस तरीके से अभी सब लोग यहाँ वहाँ जंप कर रहे हैं सबको, बिकॉज अभी एक्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, नरेटिव्स और राइटिंग कहानी कैसी है आपकी वो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वो लाइन तो आई थिंक ब्लर हो गया है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी कहीं पर भी कास्ट करो, अच्छे एक्टर्स हैं तो आई थिंक इट वर्क्स। अपकमिंग अभी कई सारे हैं, सो देयर इज दिस इंडिपेंडेंट फिल्म विच इज़ कॉल्ड द लास्ट ड्राइव, सो विच इज़ अ डार्क कॉमेडी अगेन, सो वी आर एक्सप्लोरिंग डार्क कॉमेडी, सो वो अभी शायद होपफुली जल्दी आएगी, सो वी आर इन टॉक्स विद कपल ऑफ ओटीटीज, देन आई हैव डन अ सीरीज फॉर एंडमॉल चाइन विच विद राजेश तेलंगाना विद्या मालवड़े विच इज़ गोना अगेन कम सून, सो या फिर नसीर सर के साथ एक शॉर्ट फिल्म और की थी, शॉर्ट फिल्म में एक खासियत ये है कि ड्यूरेशन कम टाइम में काफ़ी ऑडियंस को पसंद करवाना बहुत डिफिकल्टीज हो जाता है, तो मतलब आपको क्या लगता है ऑडियंस को कनेक्ट कर पाएगी इस स्टोरी? ये बहुत कनेक्ट कर पाएंगे और मेरे लिए शॉर्ट फिल्म डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज आई मेड क्लोज टू 30 शॉर्ट फिल्म बिफोर दिस, तो मेरे लिए वो ऐसा लगता है कि मेरे कमरे में जैसे जितना कंफर्टेबल होते हो आप, सो व्हेन आई एम अराउंड शॉर्ट फिल्म तो मेरे लिए उतना ही ईजी लगता है, तो बहुत सारी बने, सो इट वॉज फन। डेजी मैम का कैसा एक्सपीरियंस था? डेजी अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये था खैर कि मेरे 6-7 एक्टर्स के साथ कभी एक साथ मैंने इंटरेक्ट नहीं किया कि सिंगल शॉट में पीपल आर डीलिंग मार रहे हैं पीट रहे हैं एवरीबॉडी इज टॉकिंग ओवर वन अनदर, वो पहले बहुत डिटेल में नहीं किया, लेकिन ये फिल्म तो पूरी ही उसके बारे में है कि वो उसके ऊपर बोल रहा है उसके ऊपर बोल रहा है, सब इक्वल लेवल पे हैं, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हुआ था थोड़ा टाइम के लिए मेरे लिए बिकॉज सारे अच्छे एक्टर्स हैं, कोई कुछ बोल रहा है बीच में थोड़ा बहुत इंप्रोवाइज कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो भी बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ बिकॉज जो इम्प्रोवाइजेशन थे जो चीज़ें थी वो बहुत अच्छे से टर्न आउट हुई। डेजी के साथ काम करना बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज शी इज़ वेरी प्रोफेशनल कि लाइन्स याद हैं उनको सारी की सारी, उनको एक बार एक चीज़ बता दो तो यू डोंट हैव टू इंस्ट्रक्शन वापस नहीं देनी पड़ती, तो टेलर अगर ओवर हियर भी किया है कि आई एम टॉकिंग टू समवन की दिस व्हाट यू आर डूइंग, इफ शी ओवर हियर्स शी विल जस्ट इनकल्केट दैट, यू डोंट इवन हैव टू टेल हर एंड शी इज अमेजिंग। सो
आपका गणपति का जो फॉर्म है वो कैसा रहेगा, मीन एज इट इज जो इनका गणपति का जो फॉर्म है हाँ. वो एज इट इज है कि मीन हाउ कम्युनिकेशन के साथ कैसे मीन व्हाट वे कम्युनिकेशन बेसिकली उनका ये है कि मंत्रा जो उन्होंने गणपति को आवाज़ दी है तो गणपति जो है वो घर में रखे हुए हैं और उनकी आवाज़ आती है एंड ही इज़ इंटरेक्टिंग विद डेजी विच इज़ महल तो उसके थ्रू है और किसी को सुनाई नहीं देता सिर्फ उनको सुनाई देता तो उसके अराउंड क्या होता है दस रिवॉल्विंग अराउंड दैट कि एक इंसान को सुनाई दे रहा है ऑडियंस को सुनाई दे रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं डेजी को सुनाई दे रहा है उसके सारा जो रिएक्शन है उसके क्या रिजल्ट हैं क्या इम्प्लीकेशन है वो सारी की सारी सबके ऊपर दिखाई देती है. सर ओके वेलकम सर आपका यहाँ पर. मेरे को तो पहले ये बताइए इस फिल्म के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं क्योंकि कई सारे टॉपिक्स ऐसे अनटच्ड होते हैं जिस पर हम डिस्कस करते हैं और आज ये फिल्म उसी ओर इशारा कर रही है. एक्चुअली आजकल तो हम लोग काफ़ी फिल्में बना रहे हैं जो अलग अलग टॉपिक पे हम लोग टच करें जैसे ओ माय गॉड हो गई और ये हमारी हमारे बहुत ही ख़ास दोस्त दुबई से नितिन भाई एंड वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ अलग करें तो आई फील दैट दिस इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. मैं एक्चुअली मुझे ख़ास इस फिल्म के बारे में पता नहीं बट आई एम हियर टू सपोर्ट हिम एंड आई एम हियर टू प्रमोट दिस एज मच एज पॉसिबल. डेजी तो हमारी बहुत ही खास दोस्त है. डेजी के साथ तो हमने बहुत काम किया है. शी इज़ लाइक शी इज़ वेरी वेरी शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन तो मैं डेजी को बहुत ही गुड लक बोलना चाहूँगा और आई थिंक शी ऑल्सो फिनिश्ड खतरों की खिलाड़ी ऑल्सो अभी तो बेस्ट ऑफ लक डेजी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. ओके मेरे को ये भी जानना है कि बीइंग एन एक्टर आपको क्या ज़्यादा बेटर प्रोसेस लगता है फीचर फिल्म या शॉर्ट फिल्म क्योंकि शॉर्ट फिल्म में बहुत जल्दी जल्दी स्टोरी को कम्प्लीट किया है. आई थिंक कम ऑन एज Being an actor, I guess feature film is always the best. Short films jo hain wo short films are more for the director. Short films are to be able to concise a story within a few minutes, and that is the director's genius. Aur jahan par actor ka sawal hai, I feel feature films, web series hame zyada dikhane ka mauka milta hai, zyada scenes hain. So it's my take. गणपति जी का आने का वक्त हो चुका है, उनके आगमन की तैयारियां हर जगह शुरू हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? गणपति बप्पा बोरिया बोलना चाहूँगा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो क्ले से बनाते हैं खुद घर पे, तो मुझे भी बुलाया है. कल मैं जाने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ खुद का और मैं भी खुद बहुत बड़ा भक्त हूँ और हमने हाल ही में एक गणपति के ऊपर एक गाना भी बनाया था. शंकर महादेवन जी ने गाना गाया था तो आई एम वेरी हैप्पी वी आर गोना लॉन्च दैट सॉन्ग वेरी सून. सो आई एम वेरी क्लोज एंड आई प्रे दैट दिस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स टू एवरीवन. लास्टली आपके फैंस आपको अब और कहां नेक्स्ट देख रहे हैं? ये कुछ बहुत ही खास है पर मैं हिंट तो दे ही सकते हो. इट्स अ पीरियोडिक और बहुत ही जल्द आप लोगों को पता चलेगा. Thank you. Just sense, you know, it sets in the humor of Ganpati. Indian film, very today's film, very fun film. God bless them. Cute, very sweet. इसका डायरेक्शन, इसका मूड, इसके आर्टिस्ट का कॉम्बिनेशन. बोला ना मैंने बहुत क्यूट. You know, it was. आपने देखी? नहीं अगर आप देखेंगे तो मैं तो पहले फिर बता दूंगी क्या है. वेरी स्वीट, वेरी क्यूट. टुडेज गर्ल्स आजकल जैसे लड़की लड़के होते हैं आपस में जो उनका हाल होता है और उनमें से अगर एक निकल आए जो उनके सीक्रेट्स जानता हो तो क्या होता है. सो इट्स वेरी क्यूट. गणपति फेस्टिवल है और लोगों को क्या बोलना चाहेंगे फिल्म के बारे में? यू नो गणपति जैसे मुंबई के लिए स्पेशली मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है. मुझे लगता है जैसे गणपति आता है ना पूरा मूड चेंज हो जाता है मुंबई का, जैसे हवा में खुशी.
ऐसा हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आई लव द फीलिंग ऑफ गणपति बप्पा मोरया।